देवघर जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन लगातार आम लोगों को जागरूक और सतर्क करने में जुटा हुआ है। उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री के निर्देश पर सभी चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही संक्रमण से बचाव और मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। कोविड के बढ़ते प्रकोप के चलते जिला प्रशासन द्वारा 50 रुपये फाइन करने का आदेश हुआ है। वैसे व्यक्ति जो घर से बाहर निकलते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, उन लोगों के विरुद्ध ये कैंपेन चला करके फाइन चेकिंग अभियान, फाइन चालान काटने का अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जिला प्रशासन के द्वारा। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए देवघर से रंजीत हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रंजीत, झारखंड में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो उफान पर देखा जा रहा है, जाना चाहेंगे जिला प्रशासन ने चूंकि वहां पर अलर्ट भी जारी किया है, किस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हालात कोरोना संक्रमण को लेकर काफी बिगड़ते जा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ देवघर की बात अगर करें तो यहाँ पे भी संक्रमण काफी फैल गया है और जिसको लेकर काफी एहतियात जो है देवघर उपायुक्त मंजुनाथ मंत्री काफी सतर्कता बरत रहे हैं और साथ ही देवघर के जितने भी अधिकारी हैं सबको उन्होंने अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ जिले में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा सहित कई अधिकारी के द्वारा जो है चौक चौराहों पर मास्क की चेकिंग की जा रही है और उनसे जो मास्क नहीं पहन के निकल रहे हैं रागीर और या बाइक सवार, इन सबको फाइन काटा जा रहा है और 50 रुपये करके फाइन काटा जा रहा है ताकि वो जागरूक हो, अलर्ट हो, कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इसको लेकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है और हर चौक चौराहे पर जिला के कई अधिकारी यहाँ अपने नेतृत्व में टीम के द्वारा जो है जांच करवाया जा रहा है और उनसे फाइन वसूला जा रहा है और इनके इसके साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि कोरोना से बचे। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, फिर से वापस कोरोना संक्रमण भयावह रूप में फैल रहा है, जिसको बचना जरूरी है। इसको लेकर मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी को लेकर लगातार देवघर उपायुक्त कई अधिकारियों को भी निर्देश दे चुके हैं कि एहतियातन सभी जगह जागरूकता अभियान चलाया जाए और चेकिंग अभियान चलाया जाए। इसी के तत्वाधान में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार ने भी चेकिंग अभियान चलाया। जी रंजीत, चूंकि बिना सतर्कता के यह बीमारी रुकने का नाम भी नहीं लेगी, चूंकि राज्य सरकार इस पर अलर्ट है, जिला प्रशासन भी अलर्ट घोषित किया गया, लोगों से चालान भी काटे जा रहे हैं मास्क पहने को लेकर, लोगों में कितनी सतर्कता और जागरूकता देखी जा रही है? मैं बता दूं कि जिस तरह से हालात बढ़ रहे हैं संक्रमण के, निश्चित तौर पर यह लोगों की लापरवाही का नतीजा है जिसके कारण ये संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है। लोग लापरवाह हो गए हैं और राहगीर भी सारा बिना मास्क के ही सभी घूम रहे हैं, ना सैनिटाइजर का प्रयोग करना भूल गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात करें वो तो भूल ही चुके हैं। चूंकि बिल्कुल कहीं लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए।